महबूब हो मेहरबान तो हिज की नमी समझता है, हमारे तो मुकद्दर में भी वो है जो अश्क को पानी समझता है। कि क्यों उसका इश्क मुझे शीशे की तरह लगता है, क्यों उसका इश्क मुझे शीशे की तरह लगता है, वो नज़र तो आता है मगर हाथ नहीं आता। क्यों उसका इश्क मुझे शीशे की तरह लगता है, वो नज़र तो आता है मगर हाथ नहीं आता, और वो चाहता ही नहीं कि दुआ मुस्तजाब हो मेरी, मुस्तजाब यानी मुकम्मल पूरी, वो चाहता ही नहीं कि दुआ मुस्तजाब हो मेरी, वो मिलने तो आता है मगर साथ नहीं आता। अगली चार पंक्तियाँ हैं कि उस शाम तेरी आंखों का मुकरना आहिस्ता आहिस्ता, उस शाम तेरी आंखों का मुकरना आहिस्ता आहिस्ता, तेरी जुल्फों के तले मेरा यूं उलझना आहिस्ता आहिस्ता, और उल्फते इश्क में तेरा बिछड़ना भी था मंजूर। गौर कीजिएगा आखिरी लाइन पे कि उल्फते इश्क में तेरा बिछड़ना भी था मंजूर, जामे जहर में तेरा बदन पी गया आहिस्ता आहिस्ता। बहुत शुक्रिया। कि सारी की सारी उससे करने के बाद, सारी की सारी उससे करने के बाद ढूंढते हैं मोहब्बत जो बची ही नहीं, और उस शख्स के दिल में जब झांक कर देखा, उस शख्स के दिल में जब झांक कर देखा, मिल गई पूरी दुनिया बस मैं ही नहीं। सारी की सारी उससे करने के बाद ढूंढते हैं वो मोहब्बत जो बची ही नहीं, उस शख्स के दिल में जब झांक कर देखा, मिल गई पूरी दुनिया बस मैं ही नहीं, और चाहा था उसे और बस इतना चाहा था, चाहा था उसे और बस इतना चाहा था, सारी दुनिया देखती रही उसे खबर ही नहीं। ये एक चार लाइन की शायरी है जो मैं पहले भी बोल चुका हूँ लेकिन मुझे पसंद है तो दोबारा बोलना चाहूँगा। अर्ज किया है कि दिल की मशरूफियतों ने आराम न होने दिया, दिल की मशरूफियतों ने आराम न होने दिया, मोहब्बत की तोहमतों ने नाम न होने दिया, दिल की मशरूफियतों ने आराम न होने दिया, मोहब्बत की तोहमतों ने नाम न होने दिया, और इर्तज़ा यही थी कि मशक्क़त में ना कटे ज़िंदगी, मगर काम ने इश्क और इश्क ने काम न होने दिया। अब एक कविता है मेरी, उसका शीर्षक है लुटा बैठे थे, तो ये फ्रेज थोड़ा रिपीट होगा, इस पर गौर कीजिएगा, लुटा बैठे थे, ज़रा गौर फरमाइएगा। एक पल में एक सदी का प्यार लुटा बैठे थे, एक पल में एक सदी का प्यार लुटा बैठे थे, हम कुछ इसी अंदाज में चवन्नी पे हज़ार लुटा बैठे थे, एक पल में एक सदी का प्यार लुटा बैठे थे, हम कुछ इसी अंदाज में चवन्नी पे हज़ार लुटा बैठे थे, और कभी गुजरेंगे वो इन राहों से तो इस पर भी गौर करेंगे, कभी गुजरेंगे वो इन राहों से तो इस पर भी गौर करेंगे कि हम गली के हर नुक्कड़ पर उनकी यादों का अखबार लुटा बैठे थे। बहुत शुक्रिया। कि हम गली के हर नुक्कड़ पर उनकी यादों का अखबार लुटा बैठे थे। और आगे है कि उनके लहजे से लगता ना था कि वो गुनहगार होंगे, उनके लहजे से लगता ना था कि वो गुनहगार होंगे, हम तो यही सोच के दरिया में उतरे कि वो तो समझदार होंगे, उनके लहजे से लगता ना था कि वो गुनहगार होंगे, हम तो यही सोच के दरिया में उतरे कि वो तो समझदार होंगे, और हमें मालूम न था कि कभी इस कैफियत से भी गुजरना होगा, कैफियत यानी कष्ट, हमें मालूम न था कि कभी इस कैफियत से भी गुजरना होगा, हम तो इश्क के बेफिक्री में अपना ही इश्तेहार लुटा बैठे थे। बहुत शुक्रिया। और इंतज़ार तो इश्क का दूसरा नाम है, तो आगे लिखा है कि उसकी वफा के इंतज़ार में एक अरसा गुजर गया, उसकी वफा के इंतज़ार में एक अरसा गुजर गया, हमें अपना कहने वाला हर एक शख्स मुकर गया, और गनीमत ये रही कि उसे इश्क हुआ है किसी और से, गनीमत ये रही कि उसे इश्क हुआ है किसी और से, वगरना आँखों की दिल लगी में हम अपना ही दीदार लुटा बैठे थे। बहुत शुक्रिया। आखिरी चार लाइन है, इन्हें अगर समझ जाएं तो प्लीज़ तालियों से स्वागत कीजिएगा। बतौरे इश्क आसा हुआ मैं अधूरा रह गया, बतौरे इश्क आसा हुआ मैं अधूरा रह गया, तुम्हारे अक्स को पूरा करने में पूरा रह गया, बतौरे इश्क आसा हुआ मैं अधूरा रह गया, तुम्हारे अक्स को पूरा करने में मैं पूरा रह गया, और यही वजह रही कि हम उस घड़ी बेमौत मारे गए। आखिरी दो पंक्तियाँ हैं कि यही वजह रही कि हम उस घड़ी बेमौत मारे गए,
कि उनकी हर एक आह पर हम अपनी सांसों का अंबार लुटा बैठे थे। बहुत शुक्रिया। अब उन्होंने भी मतलब कुछ समय पहले ही मैंने कविता बोलना शुरू किया है तो सब सुनते हैं, उन्होंने भी सुना। उन्होंने बोला कि दिल टूटने की बात क्यों करते हो, कभी हमारी तारीफ भी कर दिया करो। तो हमने कही आपकी दिल तोड़ने की अदा ही इतनी तारीफ़ काबिल है, क्या कर रहे हैं। तो हमने कही कुछ लिखते हैं, तो लिखा है कि वो सजती है तो सजदे का मन करता था, वो सजती थी तो सजदे का मन करता था, उसे कागज़ पे उतार सकूं ऐसी कहानी थी उसमें। वो सजती थी तो सजदे का मन करता था, उसे कागज़ पे उतार सकूं ऐसी कहानी थी उसमें, दिल भी उम्दा था बदन का क्या कहें, दिल भी उम्दा था बदन का क्या कहें, मेरी आंखें तक ना खोलती थी इतनी रोशनी थी उसमें, मेरी आंखें तक ना खुलती थी इतनी रोशनी थी उसमें। आगे है कि वजह भी कुछ यूं है कि बता नहीं सकते, वजह भी कुछ यूं है कि बता नहीं सकते, इश्क किया भी ऐसे कि जता नहीं सकते, और यूं तो तुझे पाना कोई अजाब न था लेकिन, यूं तो तुझे पाना कोई अजाब न था लेकिन, मुसीबत यह है कि जबरन भी इश्क करा नहीं सकते। काफ़ी शायर लोग हैं जिनकी काफ़ी शायरियाँ इतनी पसंद आती हैं कि लगता है उनकी एक लाइन ले लो और उस पर अपनी शायरी लिख दो तो कितनी उनकी एक लाइन ही कितनी मतलब उस पर चार चांद लगा देगी। तो मैंने किसी की एक लाइन ली है, आखिरी पंक्ति है उनकी मेरी शायरी में, तो उसके लिए लिखा है कि दिले नादा ख्वाब देखे तो ऐसे कि सोया नहीं जाता, दिले नादा ख्वाब देखे तो ऐसे कि सोया नहीं जाता, फरेबी इस दुनिया में चाहे भी तो रोया नहीं जाता, और मैं सोचता हूँ क्या खूब कह गए हैं वो, मैं सोचता हूँ क्या खूब कह गए हैं वो, जिसे पाया नहीं जाता उसे खोया नहीं जाता। बहुत शुक्रिया। एक और है कि वो कुछ कहने से पहले आजमाना चाहते थे, होता है ना जब काफ़ी समय बाद कोई मिलता है दोबारा, तो वो कुछ कहने से पहले आजमाना चाहते थे इश्क मगर आजमाइश तो नहीं, वो कुछ कहने से पहले आजमाना चाहते थे इश्क मगर आजमाइश तो नहीं, दिल बेकरार है एक अरसे से पर ये बेकरारी दिल की कोई ख्वाहिश तो नहीं, और जुदा होके हुए थे वो लापता रास्ते में मिले तो मुस्कुरा बैठे, जुदा होके हुए थे वो लापता रास्ते में मिले तो मुस्कुरा बैठे, अब खुदा जाने ये मुस्कुराहट उनकी कोई साजिश तो नहीं। और चार पंक्तियां हैं कि महबूब हो मेहरबान तो हिज्र की नमी समझता है, महबूब हो मेहरबान तो हिज्र की नमी समझता है, हमारे तो मुकद्दर में भी वो है जो अश्क को पानी समझता है। बस आखिरी दो पंक्तियां हैं हाशिम नदीम साहब की, उसे मैं उसे बोलकर विदा करना चाहूँगा कि इश्क कर ही बैठे थे तो इजहार क्या करते, इश्क कर ही बैठे थे तो इजहार क्या करते, उन्हें भी इस परेशानी से दो चार क्या करते। बहुत बहुत धन्यवाद।